हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजीत ठोमरे है और मैं औरंगाबाद से हूँ। मैं काफ़ी दिनों से कैफ़े अल्फाज के फेसबुक पेज को फॉलो करता था और तो मुझे लगा कि मैंने भी मेरे कुछ अल्फाज लोगों तक पहुँचाने चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें मैसेज किया और आज मुझे ये मौका मिला है। सो थैंक यू कैफ़े अल्फाज। कुछ लोगों की कहानियाँ होती है और कुछ लोगों की कहानियाँ दिलचस्प होती है, तो उन्हें लोग आशिक कहते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है एक दीवाने की। मेरी कहानी का टाइटल है कहानी एक दीवाने की। रात के 12:30 बजे है और आकाश अपनी बाइक को धक्का दे रहा है। वह घर के सामने पहुंच जाता है और रास्ते से कुछ पत्थर उठाकर खिड़की पर फेंकता है। खिड़की में से प्रिया देखती है और उसे कहती है कि उस 2 मिनट में आ रही हूँ। वो कहता है कि तुम जंप कर देना, मैं कैच कर लूँगा। वो कहती है शांत, मैं आ रही हूँ ना। तो दुपट्टे से अपनी एक चेन बनाती है और बालकनी से नीचे फेंक देती है। प्रिया नीचे आती है, बाइक पर बैठती है और आकाश अपने पैरों को धक्का लगाकर गली के कॉर्नर तक लेकर जाता है। उसके बाद वहाँ से सेल्फ लगाता है और दे निकलता है हाईवे पे। फिर वो कहता है प्रिया खाना खाया? तो वो कहती है कि नहीं यार, घर पर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। तो बोलता है चलो ठीक है, हम बाहर खाना खा लेते हैं। वो कहती है आकाश हम ये सही कर रहे हैं ना? वो कहता है हाँ प्यार है यार, तो क्या है उसमें, सही कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। वो जाता है, एक चाइनीज का जस्ट एक स्टॉल बंद होने को रहता है, तो बोलता है भैया 2 मिनट बस रुका देना, प्रिया को बहुत भूख लगी है। बोलता है सर 12:30 बज गए, वे बंद कर रहा हूँ। बोलता है सर प्लीज़ सर, प्रिया को भूख लगी है, मैं उसे भूखा नहीं रख सकता, प्लीज़ आप 2 मिनट के लिए खोल दीजिए और एक प्लेट हाक का नूडल्स बना दीजिए। वो कहता है सर नहीं। बोलता है प्लीज़। वो कहता है ठीक है सर। वो दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं और हाक का नूडल्स आ जाता है। वो दोनों खाते और उसके बाद वो कहता है भैया 1 मिनट ज़रा इधर आना। बोलते हैं हाँ सर, और क्या चाहिए? बोलता है भैया 1 प्लेट गुलाब जामुन। गुलाब जामुन? सर एक तो 1 बजे है, अब चाइनीज़ के स्टॉल पे हो और गुलाब जामुन यहाँ पे नहीं मिलते। बोलता है प्रिया का खाना स्वीट खाने के बगैर होता ही नहीं है, तो गुलाब जामुन तो चाहिए ही चाहिए। कहता है सर ये आपको दिमाग ही नहीं, गुलाब जामुन नहीं मिलता यहाँ पर। बोलता है दिमाग मेरे पास है, इसलिए मैंने गुलाब जामुन ऑलरेडी लेकर आया हूँ। और वो टिफिन ओपन करता है। प्रिया कहती है वाओ यार, तुमने यार इतना याद रहता है, मतलब हर बार, कभी भी नहीं भूल सकता मैं। प्रिया गुलाब जामुन खाती है और वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं। वो स्टेशन पे पहुँच जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे आते हैं और वो पूछता है आकाश एक जन को कितना टाइम है। बोलता है कि 10 मिनट है। बोलता है ठीक है। बोलता है प्रिया तुम्हें प्यास लगी है? बोलती हाँ यार एक पानी बॉटल। आकाश भागता है, एक पानी बॉटल लेके आता है। जैसे वो पानी बॉटल उसको देने वाला रहता है, उसके गाल पे एक जोरदार तमाचा आ जाता है। आकाश और प्रिया और बाकी वहाँ के लोग शांत हो जाते हैं कि यार क्या हो गया। प्रिया चिल्लाती है सिद्धार्थ नहीं, प्लीज़ नहीं, ये वही है आकाश जो भागने में हमारी मदद कर रहा है, और सॉरी आकाश ये है सिद्धार्थ जिसके साथ मैं भाग रही हूँ। वो कहते हैं अरे यार सॉरी सॉरी। बोलता है अरे नहीं आकाश, आई एम सो सॉरी, मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ यार प्रिया के बारे में, तो गलती से मेरा हाथ उड़ गया। बोलता है कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। ट्रेन आती है, दोनों उसमें चढ़ जाते हैं। ट्रेन जा रही है, वो दोनों उसको बाय कर रहे हैं, आकाश उसको बाय कर रहा है। ट्रेन जा रही है और आकाश नीचे देखता है, अरे यार पानी बॉटल तो दी नहीं मैंने। ट्रेन जा रही है, आकाश पीछे से भाग रहा है। ट्रेन जा रही है, आकाश पीछे से भाग रहा है। इस कहानी के ऊपर एक पोयम है, जिस रास्ते पर खड़ा हूँ उसे लोग दलदल बुला रहे हैं। जिस रास्ते पर खड़ा हूँ उसे लोग दलदल बुला रहे हैं। फंसते ही जा रहा हूँ अंदर, बाहर निकल नहीं पा रहा। फंसते ही जा रहा हूँ अंदर, बाहर निकल नहीं पा रहा। बढ़ रहे हैं कई हाथ मुझे ऊपर खींचने के लिए। बढ़ रहे हैं कई हाथ मुझे ऊपर खींचने के लिए। उसके हाथ का इंतजार है। वो चाहती है मैं लड़ झगड़ कर ऊपर आ जाऊँ। वो चाहती है मैं लड़ झगड़ कर ऊपर आ जाऊँ। और मैं चाहता हूँ मेरे प्यार के खातिर वो एक बार तो हाथ आगे कर दे। एक बार तो हाथ आगे कर दे। थैंक यू।